अब ओकरोन की जिंदगी के सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, अब वो क्या करेगा। एंड भाई दिस इज माय बॉय, वो वर्जिन नहीं मरना चाहता, या सक दैट इट इज। और ग्रैनी भी, तू मेरा जूस निकालेगा है, ये ले मैं अभी 69, लेट्स गो। वो दोनों ही टनल में पहुंच चुके हैं और उनका प्लान है वहां पे पकड़म पकड़ाई खेलने का, बट अपनी ग्रैनी का नहीं, वो दोनों का लेना चाहती है, सो भी एक साथ। वेल तभी अपनी जो मोमो है बैट फेंक के मारती है और अपनी जो ग्रैनी है वो आंखों से चबा के इसको थूक देती है। और तभी अपना ओकरोन फुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है लड़ने के लिए, यस। और तभी अपनी ग्रैनी जो है उसका पीपी वापस कर देती है और उसका पावर फुस हो जाता है, मतलब यहाँ पे अपनी ग्रैनी इतनी भी चमो नहीं है। और फिर जब वो दोनों को बिल्कुल क्रश करने ही वाली होती है, बट तुम इस चीज को मत भूलो कि अपनी मोमो के पास क्या है, उसकी खुद की एक हॉट ग्रैनी। तभी वो उनकी एडवाइस को याद करके टर्बो ग्रैनी को डायरेक्ट चैलेंज कर देती है, यो वेट वेट वेट, यू आर टर्बो ग्रैनी राइट, कम ऑन यार, क्रशिंग अस इज सो लास्ट सीजन, लेट्स रेस एंड सी हु इज द रियल सिग्मा इज, हां, और आर यू जस्ट एन स्किबिडी, लेट्स सी हु हैज गॉट द मोर रेज। पहले हमारे टर्बो ग्रैनी को भी ब्रेन रॉट लग जाता है बिल्कुल हमारी तरह, और भाई वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और पूछती है कि रूल्स क्या है और हमें कहां तक भागना है। मोमो कहती है देख यार, हमें भागना कहीं तक नहीं है, तुम्हें पकड़म पकड़ा खेलेंगे, अगर तू पकड़ ली तो तू जीत जाएगी, और वैसे भी देख तू तो टर्बो है ना, तो 10 मिनट का टाइम दे हमें, 10 मिनट तक तू गिन और फिर पकड़ना स्टार्ट करना। वेल इस चीज को टर्बो ग्रैनी मान जाती है, मतलब इस मोमेंट में तो मैं यही सोच रहा था, या तो टर्बो ग्रैनी बहुत ज्यादा डम है या फिर उसको अपनी स्पीड को लेकर बहुत ज्यादा घमंड है, और ओवर कॉन्फिडेंस का क्या होता है उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और फिर अपने मोमो और ओकरोन भागने लगते हैं। यार मोमो तूने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, क्या प्लान बनाया, ऐसे तो हम बिल्कुल बाहर ही निकल जाएंगे। और भाई तभी अपनी जो है ग्रैनी काउंटिंग करना स्टार्ट करती है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ए तू तो चीटिंग कर रही है, इतना तो सास वो की सीरियल में भी धोखा नहीं देते। ये तो तुमने कहा ही नहीं कि गिनना कैसा है, इसलिए भाई वो अपना 10 मिनट पूरा करके मोमो को पकड़ लेती है और फिर वो ओकरोन को कहती है चल अब मैं तेरे लिए 10 मिनट गिनती हूँ। भाई अब ओकरोन की जिंदगी के सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, अब वो क्या करेगा। एंड भाई दिस इज माय बॉय, वो वर्जिन नहीं मरना चाहता, या सक दैट इट इज। और ग्रैनी भी, तू मेरा जूस निकालेगा है, ये ले मैं अभी 69, लेट्स गो। वेल हाँ भाई इस चीज में अपना एक्सपीरियंस जीत जाता है और अपनी जो टर्बो ग्रैनी है वो ओकरोन पे पूरा कंट्रोल ले लेती है। बट तभी जो अपनी मोमो जो है वो टर्बो ग्रैनी की ओरिजिनल सेल्फ को फील करके पकड़ लेती है और जिसके कारण से अपना ओकरोन भी वापिस से अपने सेल्फ में आ जाता है। और भाई अब वो दोनों टर्बो ग्रैनी के साथ मजे लेने वाले हैं, बट तभी जो है टर्बो ग्रैनी की हेल्प करने के लिए एक बड़ा सा क्रैब आ जाता है और फिर स्टार्ट होता है भाई बहुत बड़ा चीज। वेल अभी जो ओकरोन है वो टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर पाता है, इसलिए जो अपना वो फर्स्ट ऑल आउट जाता है और बहुत दूर भागने की कोशिश करता है, बट भाई जो क्रैब है उनका पीछा छोड़ता ही नहीं है। और भाई हमें ये चीज़ में ये चीज़ पता चलता है कि जो बाकी सारे लोगों को ये कर्स और ये गोश्त नहीं दिखते, बाकी सबको सिर्फ नॉर्मल सारी चीज़ें दिख रही होती है। और भाई ये इतनी कोशिश कर रहे होते हैं भागने की, तभी जो अपनी टर्बो ग्रैनी है और साथियों को बुला लेती है, मतलब इस सिटी में एक शमशान घाट थे, मतलब वहाँ पे जितने सारे गोश्त होते हैं वो सारे लोग इंसानों को कंट्रोल करके इनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं और भाई इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी जो अपनी मोमो है एक और बार ओकरोन को ऑल आउट जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुझे मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और भाई वो जब साथ में ऑल आउट जाते हैं तो इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है भाई वो कि वो खुद के टर्न को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए जो मोमो होती है वो अपनी साइकिक हैंड से हेल्प कर रही होती है टर्न लेने के लिए। और भाई भागते भागते वो इतनी ऊपर आ जाते हैं कि तभी जो है ओकरोन की ऑल आउट की पावर खत्म हो जाती है और फिर वो दोनों ही डायरेक्ट जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। और भाई जब तभी जो अपनी मोमो जो है अपनी पावर्स को यूज करके बहुत बड़ा सा हैंड्स बना लेती है पंख की तरह, और ओकरोन जो है अपना लास्ट मोमेंट पे जाके थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्म होता है जिसके कारण वो सेफ लैंडिंग कर सके। वेल भाई इससे जो है वो दोनों के दोनों सेफली लैंड तो हो जाते हैं, बट तभी जब मोमो जो है अपना पूरा हाथ फैलाई थी वो पंख बनाने के लिए तो उसके दोनों हाथ से वो टर्बो ग्रैनी छूट गई थी। और भाई टर्बो ग्रैनी और इन बाकी सारे लोग इन दोनों को घेर लेते हैं और फिर टर्बो ग्रैनी वापस से उससे पूछती है हाँ कितने मिनट चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट। तभी जो अपनी मोमो कहती है सिर्फ 1 सेकेंड, और मोमो जो है एक ही सेकेंड में अपना लंबा सा साइकिक हाथ पकड़ती है और ट्रेन को ही पकड़ लेती है और डायरेक्टली चढ़ जाती है और फिर भागने लगती है। और तभी जो है अपनी टर्बो ग्रैनी भी क्रैब के ऊपर कंट्रोल लेती है और फिर फुल स्पीड में उनका पीछा करने लगती है। और भाई तभी मोमो बोलती है देख ये बुलेट ट्रेन है, ये 120 की स्पीड चलती है और तेरी स्पीड सिर्फ 100 है तो तू तो रह नहीं दे। भाई तभी जो है टर्बो ग्रैनी ट्रेन के ऊपर जंप कर देती है और कहती है ट्रेन को भाई घूमने के लिए स्लो होना पड़ता है बट मेरी स्पीड हमेशा 100 रहती है। और भाई जब ऐसा लग रहा होता है कि मोमो और ओकरोन का पत्ता कटने वाला है, बट तभी जो है मोमो ही टर्बो ग्रैनी को पकड़ लेती है और ट्रेन से चिपका के रखती है क्योंकि वो लोग जो है वो सिटी से बाहर जाने वाले थे। और फिर भाई हम
उस सिटी के रेंज के बाहर हम अपने ग्रैनी को खड़े हुए देखते हैं जहाँ पे वो अपना बैरियर बना रखी थी। और भाई जैसे ही वहाँ से ट्रेन क्रॉस होता है तो अपनी टर्बो ग्रैनी खत्म हो जाती है। भाई तभी हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ लड़कियां भी बाहर निकलती है। वेल तभी हमें अपनी ग्रैनी बताती है कि जो टर्बो ग्रैनी होती है वो उसी प्लेस को हॉन्ट करती है जहाँ पे जो गर्ल्स होती है उनको वायलेट करके मर्डर कर दिया जाता है। और वो जो सारी लड़कियां थी वो मोमो के ही एज की थी जिन्हें ये टनल में मार दिया गया था। और बताती है कि टर्बो ग्रैनी ऐसा क्यों करती है अभी तक किसी को नहीं पता, शायद वो इनको कंसोल करने के लिए करती हो, बट इनको वापिस से शांति दिलाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है फोर्सफुली। भाई वो फिर अपने घर पे आ जाते हैं और फिर वहां पे जो सब लोग बैठ के प्यार से क्रैब खा रहे होते हैं, भाई तभी अपनी रियल हॉट ग्रैनी जो है ओकरून से कहती है कि तेरे को तेरा पीपी मिल गया ना तो मुझे चेक करवा। और भाई अपना ओकरून जो है भागने लगता है वहां पे। वेल भाई यार मैं तो चेक करवा देता, क्या पता कोई कर्ज में छूट गया। हां वेल भाई तभी लास्ट में जो है मोमो और ओकरून आपस में एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर वो दोनों सोचते हैं कि ये गुड बाय है या गुड बाय है या गुड बाय है। वेल तभी जो है अपनी मोमो पीछे से बोलती है कि मिलते हैं स्कूल में, और इसी तरह मैं भी बोलूंगा कि मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो।